मिलियो सलाम अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बिलियो हिसाब के बारे मैं तो तू कोई गल नहीं कर सकता। हसाब की शान बुरावल बुरा बुरावल बुरावल हसा पाक ने सारी जिंदगी अगे भी मेहनत की, कोई कम नहीं किया, कोई कोठी नहीं बनाई, कोई मकान नहीं बनाया, कोई जायदाद कुछ नहीं। सारी जिंदगी इंडिया तो रख के इसे तक तबलीग ही की मस्जिद बह के। हजूर ने छप्पर के थले बह के सारी जिंदगी तबलीग की है। सारे बेलियों पता मैं तो मैं तो इल भी कोई नहीं, मैं तो नलायक आदमी है, कोई ऐसी गल नहीं। ये तो सरकार की मेहरबानी है, कोई बेलियां की खुशी है। मैं गल कर लेना और गल कर मैं काबल नहीं है ना कर ही सकता। हस्सा पाक ने ऐसे सारी जिंदगी किकर के थले बह के तबली की है। इन्होंने दिनों च अपने से पखे लगे है, सारा कुछ इतने ना कोई पखा ना कोई मोटर ना कोई शह नहीं थी, किकर के थले बैठे। बड़ी शान है भी जनाबे मुहम्मद रसूल, सिर्फ पखा चल रहा। मैं पखा चल रहा, बेली बैठे रहते, जिले कोई आता उस वे आ ऐसे जगह पर आपका मंजा से ते। मरी दे विच बाबा लाल लबाद शाह होया, कई बेलियां साड़िया ने उन्हां दी ज़ियारत कीती है जाके। ते उहदा कोई मेली सी डीसी रिटायर, उहदा कोई कम सी ते उस बाबे ने आख्या इह कम मेरे कोल नहीं तेरा होना, साडा जिहड़ा बादशाह ना वो इंडिया पाकिस्तान के बच्चे फलानी जगह से बैठा किकर के थले बैठा हुआ, उत्थे चला जा। इत्थे फिर फुर के वो चला गया, उन्हें पता ना लग्या तो बाबा मारदा भी सी तो गाला बड़िया कटदा सी। बाबा लाल बादशाह मरी दे विच होया, साडे कई बेली एक दो बेली है रियासत चो जाके ज़ियारत करके आए। जो चला गया तो बाबा अगों डांग लैके उन्हें पै गया, गाला बड़िया कड़िया तो मारिया भी। आखन लगा तू तो उत्थे गया ही नहीं, तो उन्हें आपने बाबे लाल बादशाह ने उन्हें पता हुंदा सारा समझा के घल्या जा उत्थे, इस तरह किकर दे थले कला बैठा हुआ तो उत्थे चला जा। इत्थे दीवार हुंदी सी, इत्थे आपका मंजा किकर दे थले आ बैठे। तो मैं हस्सा पाक की रोटी लिया के कोई 11 या 12 का टाइम से रोटी आप जी लिया के रखी है, तो वह बाबा बेली उधरों चढ़ पिया। तो मैं उन्होंने आख्या बेलिया उत्थे बह जा, तो हस्सा पाक भी फरमाउंदे ओए इनू आ जान दे। मैं आख्या बेलिया आ जा, वो बह गया उत्थे। आपने 2 बुरकियां या 3 बुरकियां खाधी है तो आप फरमाउंदे इनू दे दे खा लूगा। मैनू बड़ा वट चढ़िया, मैं आख्या लोग जड़े आ अच्छा रोटी भी नहीं खान देंगे। मैं उची दिन आख्या मैं ना खा मर लै, खुदा की कसम मैं मस्जिद बैठा। अच्छा नहीं फरमाया भी तू ये शख्स तेनू गल क्यों आखी, मैं खाला खा मर ला। आपने उस तरह हाथ तो कुरली कर ली, तो थोड़ी देर बाद आप पुछते वेख उन्हें खा ली है रोटी। मैं क्यों बेलिया रोटी खा ली है, उन्हें भी खा ली। आप फरमाते लाया
ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮੂਲ ਸੀ, ਆਪਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ। ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 24 ਘੰਟੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਪ ਉਸਦੇ ਬੇਲੀਆ ਕੀ ਕੰਮ ਤੇਰਾ, ਆਖਣਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਆਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੁਛ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗਲੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੱਚਾ ਸੂਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੜੀਆਂ ਕੱਥਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪ ਨੇ ਸਲਾਮ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਸੂਤਰ ਦਾ ਬੇਲੀ ਨੇ ਸੂਤਰ ਦੀ ਗਲੋਟਾ ਜਾ ਆਪ ਨੂੰ ਫੜਾ ਤਾ, ਆਪ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਲਾਈ ਗਏ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਵਾਲ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੀ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਵੀ ਆਖੀ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੀ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਵੀ ਆਖੀ। ਖੈਰ ਜੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਏ, ਵਕਤ ਰਿਸ਼ਾਦ ਏ, ਵਕਤ ਮਿਦਾਰ ਏ। ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਹਿੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ 4 ਮਸਤਾਂ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ 4 ਸਾਲਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਰਹਿੰਦੀ, 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਹਿੰਦਾ, ਕੁਤਬੇ ਮਿਦਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਤਬੇ ਰਿਸ਼ਾਦ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਹੱਸਾ ਪਾਸ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ 2 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੈਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹੱਸਾ ਪਾਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ 2 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੈਲ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਲ ਰਹਿਣ, 2 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ। ਕੋਈ MLA MP ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹੱਸਾ ਦੀ ਜਾਤ ਪਾਕ, ਉਹ ਜਾਤ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ 2 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੈਲ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਲ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਨਕੇ ਗੁਲਾਮੋ ਕੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਾ ਆਲਮ ਕਿਆ ਹੋਗਾ, ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਸਦਾਈ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੀਦਾਰ ਕਾ ਆਲਮ ਕਿਆ ਹੋਗਾ। ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਮਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ ਲਈ। ਅਕਸਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਕਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਸ਼ਫੀ ਉਕਾੜ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਸਭ ਕੋਠੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ, ਸ਼ਫੀ ਉਕਾੜ ਵੀ, ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸ਼ਫੀ ਉਕਾੜ ਵੀ ਦਾ ਪਿਓ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨੀਫ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਅੰਦਰ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪ ਪੁੱਛਦੇ ਆਖੋ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸ਼ਫੀ ਉਕਾੜ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਰਾਨ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਆਪ ਉਸਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ? ਆਖਣਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਆਖਣਗਾ ਹਜ਼ੂਰ 60 ਰੁਪਈਏ। ਭਾਈ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ 60 ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਆ? ਮੌਲਾਨਾ ਮੌਲਵੀ ਆ ਮੁਹੰਮਦ ਉਮਰ ਇਛਰਵੀ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ 'ਚ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਤੇਰੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ 450 ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਕਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ 450 ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ? ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਧਾ ਖੈਰ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਨਾਤ ਸੁਣਾਓ।
उन्हें नाच नाच आवाज बड़ी अच्छी थी, सोना बड़ा सी, उधर दाढ़ी लेंदी सी भाई ओदी। उन्हें नाच पड़ी सोने नबी का चेहरा, चौदवी दे चंद वांगू कालियां जुल्फां लटकन रेशमी कमंद वांगू। आखरों दे आखो जी एक बारी होर सुनाओ। आपने तीन बारी वो नाच सुनी, तीन बारी नाच सुन के आप फरमाते दे मौलवी जी अल्लाह खैर कर दूगा, खरामा खरामा जाओ, अल्लाह खैर कर दूगा, खरामा खरामा जाओ। चले गए। चंद दिनों के बाद मौली गुलाम अली आखन लगा, आखो जी तुसी कराची नहीं चले जाते, अमीर बन के साड़ी जमात का चंदा लैन वास्ते कराची जाते थे, कराची नहीं चले जाते। उन्हें आखिया जी चला जाना। उत्थे चले गए, उत्थे जाके मेमन मस्जिद के विचों इन्होंने स्टार्ट लिया। उत्थे इन्हों आख्या जी आखो जी नात पढ़ो। उत्थे इन्होंने यो नात पढ़ी। जो तो नात पढ़ी उतों की जी अजमन सी, उन्होंने दरखास्त देती भी सानू इमाम चाहिए, सानू इमाम चाहिए। तो इन्होंने आखो साहब ने पूछने लगे क्यों आखो जी रह जाऊंगे। उन्हें आखिया जी रह जाऊँगा। उन्हें आखा तनखा की लाओगे। उन्हें आखा तुम दसो। नहीं उन्हें आखा तुम दसो की लाओगे। उन्हें आखा नहीं नहीं तुम दसो की दोगे। ये मेरे पीर की शान है करमा वाले की। इतने आख्या 450 रुपया। आप फरमाते तुम दसो की दोगे। उन्हें आख्या जी 450 रुपया तनखा देंगे। साहब ने सरकार ने इतने आख्या 450 मिलूगी। उत्थे कराची च उत्थे बैठे 450 तनखा देंगे, मकान देंगे, गड्डी देंगे सारा। उन्हें आखिया जी रह जाऊंगा। ये मेरे पीर की शान है करमा वाले की। कोई कर सकता हसाब की शान का कोई अंदाजा नहीं कर सकता। गल करनी तो वक्री रही। इसे शफीक आड़वी गौस पाक के दरबार शरीफ से गया। मेरे सामने की गल है, जो आया तो मैं गौस पाक के दरबार शरीफ से गया। जाके उत्थे सुख सुखी के गौस पाक की जियारत करके जाना, 11 रातां रहना तो गौस पाक की जियारत करके जाना। 10 रातां गुजर गई, जियारत ना हुई। सजदे पै के बड़ा रोया, बड़ा ही रोया। इन्ना के बस रात पई सुता। गौस पाक के दरबार शरीफ के उत्ते सफायद लिबास पाया थे, हफ्साह पाक एडी पग बजी थे, हफ्साह पाक बैठे, हफ्साह पाक बैठे। सजदा सलाम होया जी, मेहरबानी हो गई। उतो आके इतने गेट हों मौली गुलाम अली शफी उकाड़वी तो यदा प्यो तो वह ही स्पीकर। चारे बंदे टांगा ठल के तो अंदर आ गए। हर साहब जी चार पाई इतने से मैं असर तो बाद टाइम से तो मैं हूँ पखा चलता पाया। आ गए जो आ गए तो आपने सलाम दुआ लिया। अगों आपने मौलवी जी खुश इस्तेज। उन्हें अगों जवाब दिता मौली गुलाम अली ने फारसी की। तो आप फरमाते आपने दोवें हाथ लहरा के आप फरमाते आप जी फिर गौस पाक की जियारत होई। दोवें हाथ लहरा के आप फरमाते फिर गौस पाक की जियारत होई। उत्थे पैरी डिग पिया मेरे सामने हजूर होई। आप फरमाते चंगा रमजाना। इन्होंने लिया के दुध पिया। इतने माल हुंदा सी, मैं गया जाके दोनों दुध का चक के लियाया, उन्हें सारे पियाया। फिर आपने आख्या चंगा मौलवी जी फिर नात सुनाओ। नात आप सुनते सी, बड़ी नात सुनाई, सुना के ते आप चंगा फिर मौलवी जी खरामा खरामा जाओ। आपने नहीं पूछा भी किमें हुई की होया, नहीं आपने खरामा खरामा जाओ। उन्हें फिर आप गल में इतने सुनाई। उन्हें आख्या मेरे ना इस तरह ये मेरे पीर की शान करमा वाले जी है। हर साहब की खिदमत के एक बेली किसी बुजुर्ग का जिक्र करता सी पिया। कहता जी फाले फलाने बाबे होए आ कि उन्होंने 1 रुपये नाल हज कराया, 1 रुपये नाल हज कराया। कि आप फरमाते ओ बेलिया तू भी करना ही। कहता हजूर आप फरमाते आला फट चौनी गया हज कर।
चुआनी उन्हें तर पीएच कराया थी आपने भाई चुआनी ले के गया हडकर चुआनी ले के स्टेशन पर गया उन्हें आख्या यार कराची का टिकट दियो उन्हें आख्या बाबा तेरा दिमाग खराब आ चुआनी का टिकट आता उसे बाबा पहुँच गए आप ही पहुँच गए आंदा यार बाबा की आंदा आंदा टिकट दियो कराची का उन्हें आख्या दियो टिकट देता कराची पहुँच गया कराची पहुँच के तो जनाब मेरी उत्थे हम दफ्तर से चक्कर लाता फिर वो दफ्तर गया उन्हें आख्या बाबा बाबा की करता किमें आया उन्हें आख्या मैं जाना हज ते जाना लिया पैसे पूछे उन्हें आख्या चुआनी है उन्हें आख्या चुआनी का टिकट आंदा की करना बाबा तू पिछे अपड़ गए बाबा की आंदा बाबा आंदा जी मैं हज ते जाना तो चुआनी हाँ आखिर उन्हें दियो इनू दियो टिकट दिता जहाज से बन गया सारा काम जहाज से गया हज कर करा के सारा हज करके करा के ते आ गया फिर आप दी महफिल चाया ते आप फरमाउंदे बेलिया हज करया है हाथ बन के खड़ा हो जांदा हजूर करया है आप फरमाउंदे साडी चुवानी ते दे दे खुदा दी कसम मस्जिद च बैठा है गल गलत नहीं अमर साडी चुवानी ते दे दे हज करा के चुवानी भी वापस ले ली ये शान है उनके गुलामों की सरकार का आलम क्या होगा बिन देखे सिदाई सब दुनिया दीदार का आलम क्या होगा ये मेरे पीर की शान है हजूर की शान का कोई अंदाजा कर सकता मैं उदो ऐस बच्चे सा दाड़ी भी मेरे उदो ऐसे तरह ही सी मैं भैड़ चूजा सा मैं इसे तरह ही ते एक बेली आया मैं आप दे मुखियां मारदा सा पिया कंड च पिछे ते आप दा मुंह इधर नूं सी ते आप कोई ते नावल फरमा रहे सी ते मुखियां मारदा सा पिया ते ओह आखण लगा हजूर मैं हज ते जाना ते इजाजत भी दियो दुआ करो मेरी दरखास्त निकल आवे आप दा जिहड़ा ममूल सी ना ये तां उहदे बेहतर हुंदा ते आप आखदे बेलिया चंगा कर लै ते जे नाम दा आप फरमाउंदे बेलिया अगले साल ना कर लीए अगले बेली भी चंगे सी साढ़े अगे नहीं सीगे नहीं हजूर हुणे होना चाहिए आखण लगा हजूर आप फरमाउंदे दे दे दरखास्त तेरी आजूगी खुदा दी कसम मैं बैठा पिछे मुकियां मारदा सा मेरे दिल च ख्याल आया भी हज तां करना चाहिए आपने इस तरह करवट बदल के आप फरमाउंदे रमियाना महजीद तू भी हज करना मैं क्या आपने हथ करके खुदा की कसम हथ करके आप फरमाते तेरे इन्ने इन्ने भी हज कर सारे बेलियां पता मेरे इन्ने इन्ने भी छोटी बच्ची मेरी इतनी पढ़ाई है वह भी हज ने पुत्र भी पोतरे भी नूह भी सब हाजी आ मेरे पीर का कर्म है यतीम सा कोई मेरे मकान की छत नहीं थी सिर से मेरे पीर का सदका मेरे दिल च ख्याल भी आया भी पैसे पूसे की भी लोड़ होंगी आ तो मेरे पीर का सदका ऐस वेले मेरे पीर का सदका पिंड दे विच करम वाले का सदका पिंड दे विच मकान भी चंगे आ पांच सत्त किलियां का मालक भी हाँ पट्ठा मेरा चलता ये मेरे पीर की शान है करम वाले की ये मेरे पीर की शान है करम वाले की शान का कोई अंदाजा कर सकता एक गल करके अस्पताल चो आए मैं आप फिर आप बेली आखन के आप जी करी जाता अस्पताल चो आए मेरे पीर की शान है मेरा ये कोई नहीं गा अस्पताल दे विचो आप आए ते आप फरमाउंदे रमियाना मैनू नहाँदा नहीं मैं क्या जरूर मैं पानी गर्म किया गर्म करके मैं नहाया नहा के आपनू ते चार पाई ते बिठाया ते अतर लाउंदा सा पिया बेली इसे तरह बड़े चौधरी इमानत मौली इकराम साहब बू नूर आलम बेसाब बेली बैठे इस तरह तो आप जी चार पाई के आप चौकड़ी मार के बैठे तो मैं असर लाता सा पाया इतने हाथ मेरा गया तो गुट फल लिया दलाले च आ गए आप फरमाते बहुत प्यार आ गए मैं कह दू उन्हें आप फरमाते जा रमजाना तेरे बदले तेरी कौम ही बख्शती तीन बारी आपने कहा जा रमजाना तेरे बदले तेरी कौम ही बख्शती
सारे बैठे चीखा मार उठे। उन्हें आखिया छोरिया अस तो सारी उम्र रिजबूती च बड़े रहे हैं, लुट के लै गया पीर न। मैं क्या कोई मैं मंगया ये बादशाह जिन्हें समुद्र लहर चाया बिड़ा पार करता, ये मेरे पीर की शान है। ये गल् जड़िया दिया वाल जिन्ना भी नहीं फर्क। मौली चौधरी अब्दुल गनी ने जी साहब की करामत आ 40 हदीसा का हवाला दे के करामत लिखी। असी फिर त्रिखड़ी गए, मैं उन्होंने वालदा फौत हो गई थी तो उन्होंने टेलीफोन किया भी हाजी रमजान तो शफीक न घलिया जी। रमजान शरीफ का महीना से तीसरा रोजा थी, असी उत्थे गए त्रिखड़ी गुलजार दे। जो गए तो उत्थे उन्होंने घर ही बुलाया थी जो बंदियां भाबियों का, तो बड़ा वाहवा रौला थे। उत्थे अपने अहल सुना जमात का एक कारी आया, उन्हें आउंदिया यो हवाला दिता। उन्हें आख्या 10,000 रुपया इनाम देऊंगा, आ पिस्तौल पिया जे मेरा हवाला गलत कोई कर देवे तो मैं दूसरा 10,000 रुपया जुर्माना दूंगा। पिस्तौल मेरे सीने च मारा जी, यो उन्हें बयान किया। उन्हें आख्या ये तो गल्ला करदे हजूर दियाँ, हजूर जी उम्मत दे वली अल्लाह ऐसे होंगे जेडे कौमां बख्श देंगे। जूर की उम्र के वली अल्लाह ऐसे होंगे जोड़े कौम बख्श देने। ये तो हजूर की गल करते हैं। तो शफीक ने मैनू अर्क मारी बैठा था कोल, आंदा तेरा मसला आया पा। मैं मेरा कहदा मसला, मसला कर्म वाले का जिन्हें मेहरबानी की आ कर्म किया। ये मेरे पीर की शान है, ना मिसल ना ढोलन की, तो चुप कर मेहर ली इतने जा नहीं बोलन की। बाबे कर्म वाले की शान का कोई अंदाजा कर सकता? हर साहब कदे कदे शेर पढ़ते, जितन जितन हर कोई खेडे, जितन जितन हर कोई खेडे ते हारन खेड फकीरा, ते जितन दा मुल कौड़ी पैंदा हारन दा मुल हीरा। मेरे पीर दी शान दा कोई अंदाजा नहीं कर सकता। जिन्ना शक कीता वो गुमराह होए, पढ़ के वेख ला वाला दुआली इनका जी। ये मेरे पीर की शान है। आप जी शाम तई सब दियाँ गल्ला करी जाइए तो कोई नहीं। मेरे पीर की शान वराल वरा है, वराल वरा। एक मैं छोटी जी और करामत असादी, बहुत बड़ी करामत है। साहब पढ़ गए सी आपकी जबान की गल, सहारनपुर पढ़ गए सी हसा पाक। जरा बिलियो तवज्जो नाल सुनिया जे, ये मेरे पीर की शान है कर्म वाले जी। आप सहारनपुर पढ़ गए सी, ते आप उतों हसा पाक जिथे भी पढ़िया आपका सीधा नाँ लिखिया, सैयद नहीं लिखिया किते भी। जिथे भी दाखला लिया आपने सैयद नहीं लिखिया, सिर्फ आपका नाँ लिख दिया। सहारनपुरों फारग हो के तो आपने दिल्ली जाके दाखला ले लिया। दिल्ली जाके दाखला जो लिया, जो उतों के उत्थे मदरसा भी, मदरसा ए अब्दुल रब दिल्ली के, मदरसा अब्दुल रब जो उत्थे दरसा मदरसा दाखला लै लिया। तो उतों के जोड़े मोहतम मौलवी साहब सन, वो आखन लगे मौलवी जी दाखला तो मिल जाएगा पर रैश नहीं इतने मिलनी। आप फरमाते चंगा मौलवी जी, तुम दाखला दे दो, रैश मैं शहर च ले लूँगा। दाखला दे दो तो रैश मैं ले लूँगा शहर। आपको दाखला मिल गया। बिलियो जरा तवज्जो नाल गल सुनिया जे, ये गल एक एवं सिर तो ना लंघा दिया जे। आप फरमाते दाखला दे दो मैनू तो रैश मैं ले लूँगा। जो दाखला मिल गया तो रैश रात पई, हसा मस्जिद ही ठहर गए। रात पई तो मौलवी नू आके हजूर ने उठा लिया, हजूर ने उठा लिया। उन्हें आख्या
और हदीसा का मेरिया ही पढ़ा है तो मेरे पुत्र रैज नहीं दिते। हदीसा तो तू मेरिया ही पढ़ा तो मेरे पुत्र रैश नहीं दिती। मौलवी उबड़वा उठा, उन्हें आख्या इतने तो सैयद कोई नहीं गा, सैयद पुत्र ही हो सकता, होर कौन हो सकता। ये आपकी जबान की गल है, किसी को लिखी नहीं, किसी ने कोई नहीं। हदीसा तो तू मेरिया ही पढ़ा पर मेरे पुत्र तू रैश नहीं दिते। मौलवी हिल गया, उन्हें आख्या मारे गए थान से भी इतने तो सारे जिन्हें आ कि सैयद तो कोई भी नहीं गा, उन्हें सारा जिन्ना सी दाखला नवा सारा वेख्या कोई सैयद नहीं, फिर वह चुप कर गया। दूजी रात पई, फिर दूजी रात इसे तो रही। और मौलवी गया हदीसा तो मेरिया पढ़ा, मेरे पुत्र तू रैश नहीं दिते। फिर उन्हें जोड़ा नवा दाखला सारा वेख्या, वेख के कला कला बंदा पूछा तू कौन है, कितों आया, की ना तेरा। सारा जी पुछते रहे पुछते रहे। अजय साहब जी बारी जो आई, कितों आए मौलवी जी, उन्हें जी फिरोजपुर तो आया, पिंड केड़ा जी करमू वाला, कौन जी सैयद। उन्हें आख्या मरवाता जी, उन्हें पैर चुमे हाथ चुमे, उन्हें आख्या तुसी तो मरवाता सानू, पर सानू खुशी ये भी है कि सानू हजूर की जियारत होगी, तो उन्हें आख्या साड़ी ठुकाई भी चंगी हुई है। खैर जी आपू रैश दी, पुछते मौलवी बाबा जी किथे रहिंदे सी, उन्हें आख्या मस्जिद। उन्हें आख्या की खांदे किथे सी, उन्हें आख्या जी भुख लगती थी पानी पी लैंदा। फिर आपने दूसरा उन्होंने रैश दी, नाल खादम दिता, कमरा लहजा दिता, सार बड़े पलटी कोल दिता सरकार नू। ते कुछ दिन पा के ते उन्हें आख्या भी शाह साहब कोई बयान करोगे, मैं आपकी जबान तो यह गल सुनी है, किसी तो नहीं सुनी। उन्हें आख्या जी करांगे, दसो हुक्म करो। आप फरमाते फिर मैनू मौजू क्यामत का दिता, उन्होंने क्यामत का मशकां कराते थे ना, क्यामत के मौजू तो मिनटा की गल थी, घंटे लग गए। आपने बयान किया, उस्ताद जिन्हें उंगलों दीप थले लेके बह गए, सारे दंदा थले उंगलों लेके बह गए। उस्ताद आखिर लगे शाह साहब ये कहाँ से आपने सीखा है, ना जी आपने सिखाया, मुदरसे सारा मुदरसा हिल गया भी। ये साढ़े जोड़े उतों के बच्चे थे, उन्होंने सारे ने उस्ताद नू उस्ताद के खिलाफ दरखास्त देती। की दरखास्त देती? उन्हें आख्या दरखास्त यह देती भी जड़िया शाह साहब नी किताबं दतिया, सानू किताबा ही नहीं दतिया, साढ़े ना धोखा करते जे। शाह साहब न किताबं कि दतिया, सानू किताबं कि दतिया। उन्हें आख्या भलियो ये किताबा असी नहीं पढ़िया, असी उस्ताद होकर किताबा नहीं पढ़िया जिसे शाह साहब बोले आ, शाह साहब का मुकाबला तुम कर सकते जी। ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा, बिन देखे शिदाई सब दुनिया, दीदार का आलम क्या होगा। ये पी करमा वाले की शान है, ये तो आप दिया निकिया निकिया गल्ला ना, और साहब दिया गल्ला ओहो दिया भी है जे सुना दिए तो मौलवी फतवे ला देंगे, खुदा जी कसम। अच्छा पाक फरमाउंदा जी, मुर्दा जिंदा करना तो मैं शोभते बाजी गया, अलानिया मुर्दा जिंदा करना तो मैं शोभते बाजी गया, दिल मुर्दा जिंदा करना औखा। अच्छा पाक ने दिल मुर्दा जिंदे किते, ईशान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा, बिन देखे शदाई सब दुनिया, दीदार का आलम क्या होगा। हज साहब की शान वराउल वरा, वराउल वरा, आप दी शान का कोई
हसाब की शान आखन की गल नहीं, मैं हूं तुम गल अर्थ सुनाई सी कि हसा पाक अंदरों निकल दे बूहे च आके छोटा लह के खड़े हो जाए, सज्जे पासे नज़र मार दे, जो कोई आउंदा उत्थे खड़ो गया नहीं तो लुक गया, फिर खब्बे पासे नज़र मार दे, इधरला पासा सक हो गया, किसी नूं आखन की जरूरत नहीं थी बेड़िया खड़ो जा या ना, सामने नज़र मार दे सामना बस आप मलक मलक चुप करके हौली हौली मस्जिद तशरीफ ले आओ। इत्थे हजूम आ बंदे थोड़े आ बहुते हुंदे सी जुमे च, कदे किसी बेली नूं नहीं आख्या सी वी बेलिया इधर हो जा, आपे बेली पिछा हट के पसे हो के बह जाते, तो जेड़ा कोई किस्मत माड़ी या चंगी अगह होया फिर छोटा आपके कोल तो सीधा ही छिटिया, फिर कोई बंदे की जरूरत नहीं सी आपने मिंबर से बह के बयान करना, बयान करके नमाज पढ़ के चुप करके, कदे कोई इस तरह भज के या अगे कोई, क्योंकि आपका कशफ ऐसा सी कि कोई बंदे की जरूरत नहीं सी गह हो के, ये मेरे पीर की शान है। कंगा जी दुआ बिस्मिल्लाह दुआ मंगते यार, मेरी दुआ लम्मी हो जाती है, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा सल्लत अला इब्राहिम व अला आल इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। खुदाया आपके शौक ज़ात रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राकन कबूल, शब रोज़ दर इश्क़ हज़र बीदार हमा उम्र दर वसल अहमद गुजार, हयाती ममाती हमा वक्त माता कुन वसाल मरा मुस्तफ़ा, निगारे मगैरस तू फरियाद रस तू ही आसियाँ रा खता बसो बस, निगाह जान मारा जरा है खता खता दर गुजारो सवाब अम नमा, ए खासा ने रुसल वक्त दुआ है उम्मत पे तेरी आके अजो वक्त पड़ा, जह मजूरी बरामद जाने आलम तराहम या नबी अल्लाह तराहम, तू अबरे रहमती आंबे के गाहे कुनी बरहाल लब खुशका निगाहे, हमाम भी या दर पनाहे तो अंद मकीम दरे बार गाहे तो अंद, तू मेहरे मनीरी हमा अख्तरंद सुल्तान मुल्की हमां चाके रंद, कुलो वली गिल्लाहु कदम वाइनी अला कदम नबी बदर कमाल, गंज बख्शे फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा नाक सारा पीर कामल कामला रा रहनुमा, गंज बख्शी है तेरी मशहूर हम पे कर करम कर करम करवा करम दोनों जहां में रख शरम, वद बराए हजरत ख्वाजा अमीरुद्दीन वली आँख चूँ खिजरस पीर कामले मर्ज़े जली, वद बराए हजरत शेर मोहम्मद बजर ईद आँख अच्छे गे मोहब्बत कर दो बिस्मिल हर के दीद, वद बराए हजरत सैदना सैद मोहम्मद सैदना सैद मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लिल आलमीन नूर चश्मे मुस्तफ़ा सैद अली मुकाम मीन वाजिद लुत्फ खासो फैज़े आम, ज़ाहिर बातन हो बराए खुदा चाहे खुदा से न सवाए खुदा, दीदा भी ना और के मुँह तन महवे तजल्ला रह रूहो बदन, ऐ मेरे मौला मेरे वाली वली कर हम सब को तुफैल नबी वली, और जो मुसलमान भाई हैं मेरे अपने फजल से रुतबा दे, तू सखी तेरा सखी दरबार है हो नजरे रहमत तो बेड़ा पार है, निगाहे मुर्शिदे कामल से इश्क मुस्तफ़ा हासिल खुदा का कुर्ब देती है मोहब्बत पीर खाने की, शफा बीमारा खलासी कर दारा फतेह सलाम शिकस्ते कफार, या अल्लाह करीम जो पढ़या पढ़ाया हजूर नबी करीम रूफ रहीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे विच हदिया तन तोहफा तन नजराना तन अकीदत तन पेश कीता कबूल ते मकबूल फरमा, हजूर दा सदका हजूर दी आल औलाद दा सदका अल बैत दा सदका सहाबा इकराम रिजवान दा सदका, या अल्लाह करीम मेरे पीरां नूं सेहत आजला और कामला अता फरमा, शर शैतान हासद दे हस्त तों महफूज रख, सल्लल्लाहु तआला अला खैर खलके ही व नूरे अर्शे ही मुहम्मद वाले सहाबा अजमाइन बेरहमत किया।